मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको 50 रुपए में इस तरह का प्लास्टिक कार्ड मिल जाता है जो अगर आप सालों तक पानी में भी रख दो ना, ज्यों का त्यों रह जाएगा, खराब ही नहीं होगा, मतलब 50 रुपए में वो कार्ड लोगे या फिर 50 रुपए में वो कार्ड दुकान पे लोगे जो साइज में भी बड़ा है, एक वॉलेट में भी, पर्स में भी नहीं आता, पर्स भी खराब हो जाता है क्योंकि साइज में बड़ा होता है, कहीं लेके भी नहीं जा सकते आप। और आधार एक ऐसा कार्ड है जिसे आपको हर जगह लेके जाना होता है, हाँ कहाँ जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब प्राइस तो आपको सेम लगना है, बट यहाँ पे बेटर और बेस्ट का कंपैरिजन है। अगर आपको बेस्ट चीज़ चाहिए जो कि एक अच्छा, आप देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर क्या 1 mm का भी डिफरेंस नहीं है, अगर आप इसे देखोगे मतलब साइज में बिल्कुल परफेक्ट साइज है। कुछ डिटेल्स को हाइड करना चाहता हूँ, आप देख लीजिए बिल्कुल एटीएम कार्ड की साइज का है ये, मेरा HDFC का एटीएम कार्ड है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ मेरे ख्याल से आपको यही मंगाना चाहिए, क्योंकि ये वॉलेट में भी इजिली आ जाता है, कैरी कर सकते हैं, और मैं देख सकते हैं आप दोनों को एटीएम कार्ड में ही, पर्स में ही ले चलता हूँ, एक एटीएम कार्ड और एक आधार कार्ड, आधार कार्ड जरूरी होता है, जाहिर सी बात है। तो चलिए एक एक प्रोसेस हम आपको लाइव दिखा देते हैं, यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ अगर होती भी है ना, तो 24 घंटे के अंदर मेरे चैनल पर अगर आप कमेंट करेंगे, मैं दावा करता हूँ कि आपको जवाब तो दे दूंगा। तो फिलहाल चलिए बिना देर किए जानते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में ना किसी भी ब्राउज़र को ओपन करिए, यहाँ पे आपको एड्रेस बार में टाइप करना है UIDAI, सिंपली टाइप करिएगा और सर्च मारिएगा, आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, ऑफिशियल वेबसाइट UIDAI पर। अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऑर्डर PVC कार्ड का, ऑर्डर आधार PVC कार्ड, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे पूछेगा कि आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे। अब नीचे आ जाना है आपको, अगर आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ से लॉगिन करना है, नहीं रजिस्टर्ड है ना तो आप यहाँ पे ऑर्डर आधार PVC कार्ड नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और नीचे कैप्चा कोड फिल करना है जो आप ऊपर लिखा देख रहे हैं। अगर आपका फ़ोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है तो आप यहाँ पर इसे नहीं सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं लिंक है, मान लीजिए आपका फ़ोन नंबर जो लिंक है वो खो गया है या फिर है ही नहीं, तो आप सिंपली इसे सेलेक्ट करिए, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दीजिए जो आपके पास इस समय है। हाँ ये नंबर सिर्फ वेरीफाई करने के लिए किया जाता है, ताकि आपको SMS किया जा सके कि आपका आधार यहाँ पहुँचा है, जबकि आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा जो आप ये नंबर देंगे, ठीक, इस बात को आप कन्फर्म कर लीजिए। उसके बाद OTP वेरीफाई करेंगे, पेमेंट पूछा जाएगा, आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं लाइव। हाँ सबसे पहले हम इसे एंटर करिए और सबमिट करके वेरीफाई करें, टर्म्स को एक्सेप्ट करूँगा, क्लोज पर क्लिक करूँगा, नीचे सबमिट करूँगा। सबमिट करते ही यहाँ पे ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस डेमोग्राफी डेटा द आधार नंबर कांट बी डिस्क्लोज्ड एट द स्टेज। देखिए अगर आपका आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक ही नहीं है तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू नहीं दिखेगा कि आपका किस तरह से आधार बन के आएगा, जबकि अगर आपका फ़ोन नंबर लिंक होता है ना तो यहाँ पे आपको एक डेमो के लिए दिखा देता है कि आपका कुछ इस तरह से प्रीव्यू होगा जो आएगा। कोई बात नहीं, हमने सब कुछ सेम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेक पेमेंट पर क्लिक करूँगा, मुझे पेमेंट कैसे करना है वो सिलेक्ट करना होगा, मैं पेटीएम सेलेक्ट करूँगा, प्रोसीड पर क्लिक करूँगा, मेरे फ़ोन नंबर पर OTP भेजा गया है, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, वेरीफाई करूँगा, बैलेंस यहाँ पर आ गया है, अब मैं यहाँ पर पासकोड दूँगा, पे पर क्लिक करूँगा। फाइनली पेमेंट सक्सेसफुल रहा और आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली आधार कार्ड का पेमेंट कर दिया है PVC कार्ड के लिए। अभी यहाँ पे मुझे कैप्चा कोड एंटर करना होगा, जो ऊपर लिखा दिख रहा है ना, सिंपली यहाँ पे टाइप कर दीजिए और डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा एक्नॉलेजमेंट, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, फाइनली हमारा ये डाउनलोड हो गया है। अब हम आपको ओपन करके भी दिखा देते हैं, इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि SRN नंबर मिल गया है मुझे और आधार नंबर भी यहाँ पे दिखा रहा है, रिसिप्ट नंबर, सब कुछ फाइनली सक्सेसफुली हमने यहाँ पे इस तरह से ऑर्डर कर दिया है। मुश्किल से 7 से 8 दिनों के अंदर आ जाता है, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंटल लिख के आता है, तो डाक विभाग की ये जिम्मेदारी होती है कि उसे जल्द से जल्द कस्टमर तक पहुँचाएँ, और ऐसा ही होता है। हमने करीब यार 500 कार्ड ऑर्डर किए हैं कस्टमर्स के, और सबके 10 दिनों, मैक्सिमम 10 से 12 दिन के अंदर कितना भी दूर हो मिल गया है उन्हें, हमने देखा है। तो ये बहुत ही फास्ट है इसकी डिलीवरी, आपको परेशान नहीं होना है, निसंकोच आप पेमेंट करिए, आपका 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा आपको, अगर नहीं मिलता है तो आप कंप्लेंट भी रेज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा,
और इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ, कोई प्रश्न और सुझाव हो, अभी लगता हो आपको कोई क्वेश्चन रह गया है, बेझिझक आप हमसे पूछिए। दावा करते हैं 24 घंटे के अंदर हम आपको आपके कमेंट का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।